आज हम आप सबको बताने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि पीयूष जोशी गेमिंग और आदित्य ब्लॉग और राजू पटोड़ी ब्लॉग का चैनल इतना जल्दी वायरल क्यों हुआ और इतने सब्सक्राइबर इतना जल्दी उन लोगों का क्यों कंप्लीट हुआ और बहुत ही कम समय में उन लोगों के पास इतना व्यू आना शुरू कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो पहले ले लेते हैं हम लोग पीयूष जोशी गेमिंग का। तो इनका तो कारण है भाई कि सौरभ जोशी ब्लॉग है जो यूट्यूब का सबसे बड़ा ब्लॉग है, 11 मिलियन उसका सब्सक्राइबर है। तो सो वो क्या किए थे कि उनके भाई हैं पीयूष जोशी, सब जानते थे और वो मान लीजिए कि अपने चैनल से प्रमोट भी कर सकते हैं तो उनको सब पहचानते थे। तो धड़ाधड़ आने स्टार्ट हुए सब्सक्राइबर और एक दिन में उनका 1 मिलियन से ज़्यादा कहीं आ गया था सब्सक्राइबर और व्यू 5 मिलियन से ज़्यादा आ गए थे। और रहा बात आदित्य ब्लॉग का, तो वो क्या किए थे कि देखिए आपका सबसे ज़रूरी है कि थंबनेल, तो वो डाले थे बढ़िया। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आप कुछ करेंगे यूट्यूब पे या कहीं भी किस भी एरिए में हो आप कुछ ना कुछ करेंगे। तो उनका और राजू पटोड़ी का एक था और अपना एक अलग दिशा में आप अपने वीडियो को ले जाइए और ऐसा वीडियो बनाइए, कुछ अलग होना चाहिए, सबसे अलग जो दिखना चाहिए तभी आपके वीडियो को लोग देखेंगे कुछ भी करेंगे। तो सो आप लोगों को वैसा करना चाहिए। सो हम लोगों का ब्लॉग चैनल है, आपको ब्लॉग दिखाते हैं, घुमाते हैं, इधर हम आए हैं बक्सर गंगा नदी तो आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी नाव बन रहा है, आपको दिखाएंगे। देखिए वो सब भाई साहब बना रहे हैं और इधर देखिए गंगा जी का आप लोग दर्शन करिए। ये है गंगा नदी, यहाँ रामरेखा घाट बोला जाता है इस घाट को और गंगा जी का बहुत ही। और देखिए उस पार हो जाता है उत्तर प्रदेश, जो उधर दिख रहा है पेड़ पौधे ना, वो हो जाता है उत्तर प्रदेश। और यहाँ से नहीं दिखेगी लेकिन बिहार को और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया है। तो पुल उधर है, अभी दिख नहीं रहा है कैमरे में, उतना दूर नहीं जा पा रहा है, पर आप लोग गंगा नदी को देखिए। इधर अभी काम चल रहा है गंगा नदी में, तो गंगा नदी में यहाँ काम चल रहा है अभी, सब पुल वुल बनाया जा रहा है, सीढ़ी सब बनाया जा रहा है। ये सब जो भी लोग यहाँ पे नहाने के लिए स्नान करने के लिए आएंगे उनके लिए बढ़िया हो, ठीक है, ये बढ़िया काम है। पर आपको सबसे ज़रूरी बात है कि ये दिखा रहे हैं आप, ये देखिए ये है बिहार और बिहार में दारू बंद है, दारू बंद है तब भी यहाँ पे दारू बहुत बढ़िया से मिलता है। ये देखिए जो एक इंसान है पी के टुल्ल हुए पड़े हैं और अभी किसी से सहारा ले रहे हैं अपने आप को उठाने के लिए। तो देखिए आप लोग ये देखिए देखिए अभी टुन पड़े हुए हैं, देखिए इनका हाल चाल। तो यहाँ के सरकार से भी कह देना चाहते हैं कि आपके यहाँ दारू तो बंद है पर दारू पीने वालों की कमी नहीं है और दारू ऐसा नहीं है कोई नहीं पी रहा है, सबको मिल रहा है, अब तो होम डिलीवरी हो रहा है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए इस सरकार को। और ज़्यादा कुछ नहीं हम बोले, आप लोग चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और आगे बढ़ाइए।